हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक्स फूड अफेयर। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये टू टायर एंगेजमेंट केक हमने कैसे बनाया है। डिटेल में वीडियो होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज में बताने वाला हूँ। कौन सा स्पंज साइज यूज किया है, केक का वेट कितना होता है, फिलिंग कौन सी यूज की है, ये जो फ्लावर्स मैंने रखे हैं ये क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको केक पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स में आपके कमेंट दीजिएगा। ऐसे और सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो ये जो स्पेशली केक है, ये कस्टमर ने मुझे भेजा था जो कि एक फॉन्डेंट केक था, उसको हमने रेप्लिकेट किया है व्हिप क्रीम में। तो ये सारी सिचुएशन हम कैसे नेगोशिएट करते हैं कस्टमर से, उसका प्राइसिंग कैसे करते हैं, ये भी मैं कोर्स के ड्यूरिंग में आपको बताते चलूंगा। तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा, और आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये टू टायर एंगेजमेंट केक हमने कैसे बनाया। सबसे पहले तो ये देख लीजिए केक हमने कैसे बनाया। तो ये केक है, चलिए देखते हैं कैसे हमने इसको प्रेजेंट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ये केक। ये जो केक हम बना रहे हैं, इसके लिए जो केक स्पंज मैंने यूज किया है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। मुझे टोटल चाहिए 2 kgs ऑफ केक, और ये टू टायर केक रहेगा, और ये टॉल केक है। तो इसके लिए जो स्पंजेस मैंने लगाए हैं या केक बेस जो मैंने लगाए हैं, तो वो इस हिसाब से है। ये है 5 इंच का स्पंज, ये 5 इंच के दो हमने बना लिए हैं। तो 5 इंच 5 by 2 इंच टिन में हमने 150 ग्राम्स बैटर लिया है। तो ऐसा ये दो स्पंज हमने बना लिए हैं। तो ये कुल मिला के केक हो जाएगा 1/2 kg। ओके, तो ये हम ऊपर वाली लेयर में यूज करने वाले हैं, और नीचे की लेयर में टोटल मुझे चाहिए होगा 1.5 kg केक। तो 1.5 kg के लिए जितना बैटर लगता है, 750 ग्राम्स बैटर टू बी प्रिसाइज, वो बैटर मैंने 8 इंच टिन में 2 बार डिवाइड करके, तो 375 ग्राम्स का एक टिन, ऐसे मैंने 2 टिन बेक कर लिए हैं। तो ये मेरे पास 8 इंच के 2 बेस रेडी है। तो ये इसका वेट हो जाएगा 1.5 kg, और जो 5 इंच के केक टिन में हमने बेक किया है उसका वेट हो जाएगा 1/2 kg। तो कुल मिला के ये 2 kg लगभग उतना वेट इसका आ जाएगा। तो ये है मेरा बेसिक प्रिपरेशन। ये जो स्पंज हमने बनाया है, इसमें हम सिर्फ एक एक कट लगाने वाले हैं 8 इंच में, और 5 इंच के जो है उसमें हम दो दो कट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब मैं इसका कटिंग और इसका फ्रॉस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा। ये सिंपल केक है, पाइन एप्पल फ्लेवर में है, तो हम इसको पाइन एप्पल फ्लेवर में अभी बनाने वाले हैं। तो अब हम करेंगे केक की बेसिक फ्रॉस्टिंग। उसके लिए हम केक को पहले कट कर देंगे। अभी ये जो 8 इंच का टिन जिसमें हमने केक बेक किया था, 375 ग्राम्स का ये स्पंज है, उसको मैंने एक ही कट लगाया है। और ये जो स्पंज है ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसलिए मुझे ऊपर का पार्ट और साइड्स में कुछ भी ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्पंज हार्ड है तो आप इसको डेफिनेटली ट्रिम कर सकते हो। तो ये सेकेंड स्पंज है 375 ग्राम्स का, इसे भी मैं एक कट कर लेता हूँ। और ये वाले स्पंज में थोड़ा सा डोम आया है, तो वो मैं हल्के से इसको कट कर दूंगा। इससे मेरा केक का शेप जो है वो काफ़ी स्ट्रेट आएगा। तो अभी ये हो गया केक कट करके, अभी करेंगे इसकी फ्रॉस्टिंग। केक सोक करने के लिए मैं एक सिंपल सिरप बना रहा हूँ। यहाँ पे पीने का पानी है बाउल में, उस पर हम डालेंगे पाइनएप्पल क्रश। जो फ्लेवर का केक है वो फ्लेवर का क्रश आप इसमें डाल सकते हो, या तो आप सिंपल शुगर सिरप भी बना सकते हैं। पाइनएप्पल क्रश डालने से पूरे स्पंज में भी इसका फ्लेवर आ जाता है। अभी नॉर्मल तरीके से जैसे हम आइसिंग करते हैं केक में, वैसे ही आइसिंग करना है। स्पंज को सोक करते हैं, फिर क्रीम लगाते हैं, फिर फिलिंग डालते हैं। जो टॉप पार्ट है उसको हम बीच में रखेंगे अपसाइड डाउन, और जो साइड्स में थोड़ा बहुत गैप आता है पहले वो गैप फिल कर देंगे, और एक के ऊपर एक हम ये केक ऐसे स्टैक कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाया था क्योंकि कस्टमर का वैसे ऑर्डर था। अदरवाइज़ आप कोई भी फ्लेवर में ये सेम डिज़ाइन सेम मेथड से आप बना सकते हो, बस आपको बीच में का फिलिंग चेंज करना होगा, बाकी तो सब मेथड जो है वो सेम रहेगा। जो दूसरे केक का बॉटम है वो हमने टॉप पे रखा है अपसाइड डाउन, और इसको हम क्रम कोट करके फ्रीज़र में रखेंगे अराउंड 8 to 10 मिनट्स। और जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम ये 5 इंच का जो केक है इसको हम फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। ये दो स्पंज है हमारे पास, तो इसको हम फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं सेम वैसे ही जैसे हमने बॉटम लेयर किया था, सेम उसी फ्लेवर में ये भी केक आने वाला है। इसका जो बॉटम लेयर है वो हमने ज़्यादा सोक नहीं किया है, क्योंकि इसको उठा के बड़े वाले केक पे हमने स्टैक करना है, प्लेस करना है विदाउट एनी बोर्ड।
तो इसलिए हम कम सोक करते हैं सबसे बॉटम वाला जो लेयर है वो। और ऐसे अभी एक के ऊपर एक हम पूरा केक जो है वो स्टैक कर देंगे, फ्रॉस्ट कर देंगे, और इसे भी हम बस क्रम कोट करके ही फ्रीज़र में रखने वाले हैं। फाइनल फिनिशिंग हम केक अच्छे से सेट होने के बाद ही करते हैं। तो अभी ये लास्ट लेयर है, इसको भी मैंने रख दिया है, और अभी इसको हम सिंपल क्रम कोट करके एक बोर्ड पे लेके फ्रीज़र में रखेंगे 10 मिनट के लिए। जब तक ये सेट हो रहा है, हमारा बॉटम लेयर जो है वो सेट हो चुका होगा, तो अभी हम उसको फ्रॉस्टिंग करेंगे। इसके लिए विप क्रीम जो हम यूज़ करेंगे वो थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत हार्ड नहीं चाहिए क्रीम। और ये इस तरीके से हम इसको फ्रॉस्टिंग करेंगे। साइड्स करना थोड़ा बिगिनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, तो आप पाइपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अब ये देखो, ये MDF बोर्ड टर्न टेबल से काफ़ी फिसलता है, तो बस एक सिंपल नैपकिन डाल दीजिएगा टर्न टेबल पर, तो आपका MDF बोर्ड स्लिप नहीं होगा और आपको फिनिशिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइड्स स्मूथ करने के लिए मैं ये स्क्रेपर यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा लूक वार्म पानी में डिप करके यूज़ कर रहा हूँ, ताकि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है, स्मूथ फिनिशिंग इससे आ जाती है। और इस तरीके से अभी हम जो केक है वो फाइनल फिनिशिंग, फाइनल टचेस इसमें दे रहे हैं। तो ये रेडी हो गया है हमारा 8 इंच का स्पंज। जो साइड में थोड़ी बहुत क्रीम लगी है उसको हम एक प्लास्टिक शीट से निकाल देंगे। अब ये रेडी हो गया है हमारा 8 इंच का टिन। आप देख, 8 इंच का केक आप देख सकते हो इसमें कैसी अच्छी हाइट है, क्योंकि चार लेयर्स हमने यूज़ किए हैं। अभी मुझे इसमें डायमंड पैटर्न बनाना है, तो मैं वही स्क्रेपर यूज़ करूँगा और एट एन एंगल थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैं ऐसे मार्किंग कर लूँगा। तो पहले ये वाला एंगल हमने दिया है, और जब ये वाला एंगल पूरे केक पे कवर हो जाए तो एंगल चेंज करके अपोजिट एंगल पे हम वैसे ही मार्किंग कर लेंगे, तो ये अपने आप डायमंड शेप यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सारे लोग इसको टूथपिक से भी करते हैं, बट ये ज़्यादा इजी मेथड है। अब ये रेडी हो गया है, रख देंगे इसको फ्रिज में, और जो ऊपर का लेयर है हम पहले उसको फाइनल फिनिशिंग कर देंगे। जो छोटे केक्स होते हैं मैं प्रेफर करता हूँ कि उसको टर्न टेबल पे लेके ही डेकोरेट करें, तो उससे डेकोरेशन काफ़ी या फिनिशिंग उससे काफ़ी अच्छा आ जाता है। स्पंज आपका जो है या क्रम कोट करके रखा हुआ जो केक है वो थोड़ा सा अगर हार्ड है तो आपको काम करने में काफ़ी इजी हो जाएगा, इसलिए हम केक जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख देते हैं। अभी जब हम साइड से कोई भी टूल लगाते हैं तो काफ़ी सारी क्रीम निकल जाती है, और हो सकता है कि आपको सेकेंड कोटिंग करने की ज़रूरत पड़े। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर जब स्क्रेपर लगा रहा हूँ तो सेंटर में थोड़ी सी क्रीम जो है वो कम हो गई है, तो उसके लिए अभी हम वापस उस पर थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे और इसको अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। ये स्क्रेपर काफ़ी हैंडी है, स्पेशली जब आपको कोई डिज़ाइन नहीं करना है, प्लेन स्मूथ फिनिशिंग रखना है, तो ये स्क्रेपर काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये अभी ऑलमोस्ट हो गया है ये वाले केक का भी फिनिशिंग। अभी ये वाला जो टॉप लेयर है इसको थोड़ा सा गोल्डन डस्ट है, जो कस्टमर ने मुझे डिज़ाइन भेजा था उस पर गोल्डन इफेक्ट है टॉप से, तो यहाँ पे मैं वो गोल्डन केक स्प्रे ले रहा हूँ और उससे अभी हम केक के टॉप पे स्प्रे कर देंगे ये गोल्डन कलर। आप इसमें एयर ब्रश का भी यूज़ ले सकते हैं, एयर ब्रश से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा जो एयर ब्रश है वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ये केक स्प्रे अभी यूज़ कर रहा हूँ। केक स्प्रे से भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आ जाता है, बस उसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, आपको ज़्यादा देर तक इसको पंप करते रहना पड़ेगा। अब हम करेंगे केक की स्टैकिंग। तो जो बॉटम टियर है वो रेडी है कब से, और इसके ऊपर अभी हमने स्टैक करना है ये 5 इंच का केक, तो नीचे 8 इंच है, ऊपर 5 इंच है। अभी सपोर्ट के लिए हम बीच में डालेंगे कुछ स्ट्रॉ, तो ये नॉर्मल स्ट्रॉज है, पेपर स्ट्रॉज है, वो मैं डाल रहा हूँ। तो 4 स्ट्रॉ मैंने यहाँ पे डाल दी है, तो ऊपर का जो केक का वेट है वो ये स्ट्रॉज पे आ जाएगा और आपका केक जो है वो कहीं से भी बेंड नहीं होगा। और ये जो 5 इंच का केक है उसमें मैं नीचे कोई भी बोर्ड नहीं लगाया है, और डायरेक्ट उसको उठा के 8 इंच टिन पे हमने रख दिया है।
एक स्ट्रॉ हम थ्रू आउट डालेंगे ताकि ये वाइल ट्रांसपोर्टेशन शेक ना हो, यहाँ वहाँ फिसल ना जाए, इसलिए हमने एक स्ट्रॉ थ्रू आउट द केक हमने इंसर्ट किया है। तो ये सबसे इजी मेथड है केक स्टैक करने का। आप बोर्ड रखे भी स्टैक कर सकते हैं, बट ये वाले केक में ज़्यादा वेट नहीं था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया है। अब इसमें लगाने हमने ये गोल्डन पर्ल्स, जो डायमंड पैटर्न हमने किया है उसमें हम ये गोल्डन पर्ल्स लगाएंगे। इसके लिए भी एक गन मिलता है, जो गन आप यूज़ करके ये जो पर्ल्स है वो एग्जैक्ट एक जगह पे आप डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ विदाउट एनी फैंसी टूल्स मैंने हाथों से ही यहाँ पे लगा दी है। अब जो केक है इस पे हम फ्लावर्स लगाएंगे। ये जो फ्लावर्स मैं लगा रहा हूँ ये आपको अभी मैं दिखाऊंगा, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप इसके जगह रियल फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं, या आप शुगर फ्लावर्स बना के वो भी डाल सकते हैं। बट जो डिस्कशन मेरा कस्टमर के साथ था या जो कॉस्ट वाइज जो हमने प्लान किया है ये केक, उसमें मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इसको अच्छे से वॉश कर ले पहले, फिर सुखा के आप इसको यूज़ करें। और ये एंगेजमेंट का टॉपर हमने लास्ट में लगा दिया है, और ये हो गया हमारा एंगेजमेंट केक, टू टायर एंगेजमेंट केक रेडी। एक सिंपल डिज़ाइन है, आप अलग अलग डिज़ाइन में भी ये केक डेफिनेटली बना सकते हो। थैंक यू।